हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वारियर्स में। दोस्तों मैं बैजनाथ, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीडीए के एग्जाम डेट जो है रिलीज हो चुके हैं स्टेनोग्राफर और माली को छोड़कर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर माली वालों के पोस्ट के लिए क्या होगा। दोस्तों जहां तक मेरा अनुमान है कि माली की पोस्ट कैंसिल हो चुकी है, 100 वैकेंसी थी माली के लिए, वो वैकेंसी दोस्तों कैंसिल हो चुकी है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों पता नहीं क्या था क्या नहीं था, उनको जो उनका एग्जाम डेट भी नहीं दिया है, ना ही उसके बारे में आगे कुछ बताया है। सिर्फ जो है दिया कि स्टेनोग्राफर के एग्जाम डेट आगे जो है घोषित किया जाएगा और माली के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि माली के पोस्ट को लग रहा हटा दिया गया, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम बात करें डीडीए 25 डेज बेस्ट स्टडी। दोस्तों सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं बता देना चाहता हूं कि डीडीए के अभी सिर्फ एग्जाम डेट में जो सिर्फ 25 दिन के आसपास बचे होंगे, तो हम सिर्फ 25 दिन की ये स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। आप ये मत कहिएगा कि बैजनाथ सर बता रहे कि 25 दिनों में डीडीए कैसे क्वालिफाई करे। दोस्तों ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको आगे की रणनीति के बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि आपको इतने दिनों में क्या करना है। दोस्तों कोई भी 25 दिनों में कुछ भी नहीं कर सकता, ये भी जान लीजिए। आपने अगर पहले से पढ़ाई की होगी, पहले से स्टडी कर रहे होंगे, तो ही आप इस वैकेंसी को निकाल सकते हैं, अदरवाइज 25 दिन में नहीं कुछ हो सकता, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन जो बच्चे स्टूडेंट जो ही स्टूडेंट है हमारे प्यारे प्यारे, बहुत दिनों से जो लगे हुए हैं ना, उनको कैसे मोटिवेट रखना क्या करना, उनके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो। चलिए दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ कि क्या आपको डीडीए के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए 1-2 सेट, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ सर चाहिए। वो भी फ्री में देने वाला हूँ दोस्तों, किसी से 1 रुपया और पैसा नहीं लेने वाला हूँ। तो अगर आपको चाहिए डीडीए का फ्री जो है प्रीवियस ईयर पेपर, जी हाँ दोस्तों डीडीए के 2017 में जो पेपर हुआ था उसका प्रीवियस ईयर चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर एस करिएगा। और उसको पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ही मैं वो चीज शेयर करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये बात हो गई प्रीवियस ईयर की। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि हमें पढ़ना क्या। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 25 दिनों में हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अगर आप इस चीज को जान गए ना, तो आप हर एक वैकेंसी को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें 25 दिन में आप नहीं कवर कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ हर एक चीज के बारे में, ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ जनरल अवेयरनेस के बारे में, क्योंकि देखिए जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे हर एक बच्चा, ठीक है ना, हर एक बच्चा फंसता है और यहीं पे सबको सबसे अधिक प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड क्या करने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस में बात करते हैं ना, तो सबसे जो मोस्टली आपको इसमें पढ़ना है, मोस्टली आपको पढ़ना है ये पढ़ना करंट अफेयर्स। मोस्टली दोस्तों जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। स्टैटिक जीके जिसे विविध बोलते हैं, तो करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके पर ज्यादा से ज्यादा दोस्तों फोकस करिए। ये मैं नहीं कह रहा कि आप अदर मत पढ़िए, दोस्तों यही तो फर्क है, यही तो आखिर स्ट्रेटेजी क्या है, ये आपको कहाँ से तय ले जाएगा। आपको करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके पर ज्यादा फोकस करना है दोस्तों। अगर आप ये कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं भी सक्सेस हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे सर बता देते करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, तो करंट अफेयर आपको जनवरी टू अक्टूबर तक आपको पढ़ना है, ठीक है ना। वैसे आप 20 अक्टूबर तक पढ़ सकते हैं दोस्तों, कितने अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर से आगे नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद 10-15 दिन में पेपर उसे पहले ही तो लगभग सेट हो जाएगा। तो 20 अक्टूबर तक का करंट अफेयर आप लेकर चलिए, ठीक है ना। 15 अक्टूबर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि आपको जनवरी से लेकर चलना। दोस्तों एक बात और बता दे रहा हूँ, आपको अगस्त का प्लस सितंबर का और ये प्लस जो भी 15 दिन का अक्टूबर का बच रहा है, 15-20 दिन जो भी है बाबू, तो अगस्त सितंबर और अक्टूबर इन तीनों मंथ का करंट अफेयर दोस्तों एकदम आपके माइंड में होना चाहिए। यहां से तो गलती मत करिएगा कि इसको आप मिस कर दीजिएगा। अगर आप जनवरी से पढ़ने में मतलब नहीं पॉसिबल हो पा रहा, जनवरी से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अगस्त सितंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ना आपके लिए जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो इसको आप मिस मत करिएगा। वैसे जनवरी से करंट अफेयर पढ़ना है दोस्तों, मैं ये आपको ये भी बता रहा हूँ, लेकिन अगस्त सितंबर अक्टूबर मोस्टली पढ़ना, क्योंकि दोस्तों हाल फिलहाल के मंथ में जो होते हैं ना वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको टेंशन करने का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं जनवरी फरवरी हर मंथ का जो है करंट अफेयर 6 मंथ का वहां पे सेंड करूंगा दोस्तों। वह एज ए रिविजन रहेगा, कैसा रहेगा दोस्तों, एज ए रिविजन रहेगा, तो आप रिविजन कर सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, प्रयास ही रहेगा, तो ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके में क्या पढ़े। दोस्तों देखिये स्टैटिक जीके की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे मेन फेस्टिवल्स हो गए,
इम्पोर्टेंट डेज हो गए, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट गेम्स हो गए, और उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो करंट अफेयर्स में आती हैं, और उसके साथ साथ वन अभयारण्य हो गए, ठीक है ना, कौन सा चीज कहाँ स्थित है, प्रथम भारत के प्रथम, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ना, विश्व में प्रथम, ये सब चीजें, अंतरिक्ष वाला क्वेश्चन, इस तरीके से स्टैटिक जीके का जो पोर्शन बन रहा है दोस्तों ना, आप उसको कवर करिए, ठीक है ना, इन इन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना, बाकी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स दोस्तों ये सब भी पढ़ना, मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, आप ये मत समझिए कि तो इसको सर इग्नोर कर रहे हैं दोस्तों, ये भी पढ़ना, लेकिन इसको उतना टाइम मत दीजिए जितना आप लोग इसको टाइम दीजिएगा, ठीक है ना, और प्लस बाकी चीजें हल्का फुल्का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी पढ़िए, समय नहीं को, लेकिन जनरल अवेयरनेस में आजकल क्या है ना, बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं, जिस वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको मोस्टली इस पर फोकस करना है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश की, दोस्तों ध्यान से समझिएगा इंग्लिश में आप किस पर फोकस करेंगे, ध्यान से चीजों को देखिएगा दोस्तों, इस समय इंग्लिश में क्या है ना, इंग्लिश में आप सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये सब आइडियम फ्रेजेस हो गए, इन सब का आजकल डिमांड चल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिलर्स हो गए, और उसके बाद नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक, और भी आर्टिकल्स का यूज, आप सभी उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना दोस्तों, और ऐसा नहीं कि आप इससे पहले इंग्लिश नहीं पढ़े होंगे, इंग्लिश आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, हर एक एंगल से आप इंग्लिश में अच्छा कर सकते हो, ज्यादा टफ नहीं पेपर आएगा दोस्तों, ज्यादा टफ नहीं आएगा कि आपको ज्यादा दिक्कत की बात होने वाली है, ज्यादा टफ नहीं पेपर आने वाला है, जो भी है आपको नॉर्मल पेपर, जहां तक मेरा उम्मीद है कि पेपर नॉर्मल ही मिलने वाला, ना ज्यादा इजी रहेगा ना ज्यादा टफ रहेगा, मीडियम लेवल का पेपर, मॉडरेट लेवल का पेपर रहेगा, ठीक है ना, ये मेरा अनुमान है दोस्तों, ठीक है ना, ऐसा नहीं करो 100%, ये मेरा अनुमान है कि मॉडरेट लेवल का पेपर रहने वाला है, तो इंग्लिश में आपके पास जो भी कॉपी होगा, आपने पहले कहीं पर पढ़ा भी तो होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज करिए दोस्तों, ये वक्त ऐसा है ना कि ज्यादा से ज्यादा आपको रिवाइज करना है, ये नहीं कि आपको नया चीज पढ़ना है, नया चीज कुछ भी मत पढ़िए दोस्तों, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है ना, आप पूरा का पूरा जो भी कॉपी नोट्स बुक जो भी होगा ना, आप उसको मतलब रिवाइज करिए, न्यू चीज पढ़ने के प्रयास में रहेंगे तो फिर दिक्कत खा धोखा खा जाएंगे, ठीक है ना, ये हो गया इंग्लिश की बात, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, नाउन से इंटरजेक्शन तक पढ़ना है, और उसका एंटोनिम पढ़ना है, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, ये सब सारी चीजें आपको इंग्लिश में कवर अप करनी है दोस्तों। एक बात और बता देना, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं ना, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स करके प्लेलिस्ट है, ठीक है ना, इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स करके प्लेलिस्ट है, आप वहां से पूरी चीजों को इंग्लिश के बारे में देख सकते हैं। मैथ्स में अगर आपका डर है तो मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम्स करके 98 वीडियोज है, वो आप देख लीजिए, एडवांस मैथ का अलग है, आपको जिससे भी डर है दोस्तों, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है ना, और रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम्स करके भी वीडियोज है, तो प्लेलिस्ट में सारी तरह के वीडियोज दोस्तों मौजूद है, आप जाकर वहां से फायदा उठा सकते हैं, और आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, आने के चांसेस करंट अफेयर का भी है, और जीके की भी 30 के आसपास प्लेलिस्ट, 30 के आसपास वीडियोज है, जाकर देख लीजिए, जीके एमसीक्यू हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो यार यहाँ से वीडियोज है मेरे चैनल पे, ऐसा नहीं कि मैं आपको फालतू का बता रहा हूँ, जाके चेक कर लीजिए, 550 से एवं वीडियोज हो चुकी है, ठीक है ना, और भी अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली वीडियोज है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते मैथ्स के बारे में, दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कम से कम लाइक आप लोग पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक पहुंचाएंगे तो भी मैं और प्रीवियस ईयर ढूंढ कर आप सभी को दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मोस्ट डिमांडिंग मैथ्स, चूंकि मैथ्स जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, वीक होता है, मैथ्स क्या होता है दोस्तों, बहुत ही सारे स्टूडेंट्स का वीक होता है, चीजों को अंत तक देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना मैथ्स काफी वीक होता है, तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मैथ्स के अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें कि कौन से चैप्टर पे अधिक फोकस करना, वो मैं बताने वाला हूँ, ये नहीं कि आप सारे चैप्टर को पढ़ लीजिए दोस्तों, जिस पर अधिक फोकस करना वो मैं फिलहाल के लिए आपको बताने वाला, इस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो बेहतर होगा दोस्तों। मैथ में नंबर सिस्टम आपके हो गए, नंबर सिस्टम जिसे हम बोलते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है ना,
परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, ठीक है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, और उसका टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। दोस्तों इस पर आपको ज्यादा कमांड बनाना है, ठीक है ना, बस इतना चैप्टर आपको दोस्तों इतने दिनों में ज्यादातर फोकस करना है, ठीक है दोस्तों, इतना चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दोस्तों ये जो 10 चैप्टर है ना दोस्तों, मैथ अर्थमेटिक में इन 10 चैप्टर पर आप फोकस करिए, ठीक है ना, कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा होगा। और मेरे चैनल पे सभी तरह के वीडियोज हैं दोस्तों, मैथ्स के लिए किसी भी तरह का टेंशन आप जाकर अंत तक देखिए, ठीक है ना, एस सी एफ एल सी एम आ जाएगा तो उसको कर ही सकते, थोड़ा सा इजी पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इन चैप्टर्स पर जो है मैथ्स में दोस्तों कमेंट बनाइए, अर्थमेटिक का है और एडवांस में जो भी आपको चीजें हैं वो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है ना, एडवांस मैथ का भी चैनल पे ही प्लेलिस्ट देख लीजिए। तो ये आपको अर्थमेटिक में इतना कवर करके जाना है, इतना कवर करके जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों और आएंगे भी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएंगे। तो मैथ्स में इन चैप्टर्स पर आप जो है फोकस करिए, ज्यादातर बेहतर रहेगा। अब आते हैं दोस्तों रीजनिंग की बात करते हैं। दोस्तों देखिए रीजनिंग में क्या है ना, चीजों को समझ लीजिएगा, रीजनिंग आपको एनालॉजी पर फोकस करना है, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन हो गया, सिलोगिज्म हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, ये सब चीजें हैं, और उसका नंबर सीरीज हो गया, यहाँ से नंबर सीरीज के क्वेश्चन अधिक देखने को मिल सकते हैं, आर्ट इवेंट छाटना होता है वहां से भी क्वेश्चन अधिक देखने को मिलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दोस्तों आते ही आते हैं, तो ये सब भी सीटिंग अरेंजमेंट के हल्के फुल्के क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो यहाँ से चीजों को, यहाँ से ये सब जो चैप्टर्स है ना, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डायरेक्शन का क्वेश्चन कुछ देख लीजिएगा दोस्तों, जितना आप इससे पहले कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ जरूर पढ़े होंगे। तो आप अगर आपके पास रीजनिंग का कोई भी बुक है, कुछ भी हो, तो आपको ओनली रिवाइज करना है, ज्यादा चीजों को लेकर नहीं चलना है, रिवाइज करिए, जो भी चीज आपको आती रिवाइज ओनली करिए, ठीक है ना। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ रीजनिंग का, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिल जाए सारी चीजें, क्लासेस मिल रही है, और आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर चेक करें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है ना। तो आप बताइएगा कि प्रीवियस ईयर चाहिए या नहीं चाहिए, तो ही मैं सेंड करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, नहीं चाहिए तो फिर नहीं शेयर करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ मैं प्रयास करूंगा कि यार एक दो भी बच्चों को चाहिएगा तो मैं शेयर जरूर करूंगा। और जनवरी मंथ का पीडीएफ मैं शेयर करने वाला हूँ, और टॉप 100 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों आप सभी के लिए टॉप 100 क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ, मैथ इन इंग्लिश जीके, जिसमें इंक्लूड रहेगा प्लस करंट अफेयर, ठीक है ना। और करंट अफेयर दोस्तों ये अगस्त तक के करंट अफेयर उसमें इंक्लूड है, ठीक है ना। तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि कितना आपके पास नॉलेज हो रहा है, कितना आप कर पा रहे हो। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए एग्जाम तक वारियर्स, और आप बताइएगा कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है।